वेल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आप सबको सिखाने वाला हूँ कि प्रोफेशनल जीमेल कैसे बनाते हैं। सीहा दोस्तों, आपने सही सुना, प्रोफेशनल जीमेल आखिर क्यों बनाते हैं सबसे पहले वो जान लेते हैं। यार दोस्तों, आप प्रोफेशनल जीमेल तब बनाते हैं जब आपको यूट्यूब चैनल को क्रिएट करना होता है, या दोस्तों आपको प्रोफेशनल तरीके से यूज करना होता है, जैसे कि बिजनेस के लिए या दोस्तों अपने लिए यूज करना होता है, प्रोफेशनल जीमेल बनाते हैं। ओवरऑल बात करें तो प्रोफेशनल जीमेल ही बनाते हैं, क्योंकि यार नाम प्रोफेशनल होगा तो जीमेल भी प्रोफेशनल ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जीमेल बनाना सीखते हैं। अगर आपको सीखना है कि जीमेल कैसे बनाते हैं तो वीडियो कमेंट वॉच कीजिएगा, लास्ट तक वॉच कीजिएगा, तभी जाकर आपका चैनल भी वायरल होगा। क्योंकि जब तक आपका प्रोफेशनल जीमेल नहीं रहेगा तब तक आप अपने चैनल को वायरल नहीं कर पाएंगे मेरे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सो अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अपने लिए एक क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। अपने फोन में क्या करना है, क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपके क्रोम ब्राउजर पे एक लोगो दिख रहा होगा, या दोस्तों यहाँ पे आप जीमेल भी सर्च मार सकते हो। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जीमेल सर्च मार लेते हैं, GMAIL। सो हमने जीमेल सर्च मारा और जीमेल अकाउंट पे क्लिक करा, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप क्रिएट जीमेल अकाउंट भी कर सकते हो, या दोस्तों यहाँ पे लोगो भी क्लिक करके आप कर सकते हो, लेकिन क्लिक करते हैं क्रिएट जीमेल अकाउंट पे। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से क्रिएट एंड अकाउंट का ऑप्शन आता है, इस पे आपको क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर ही लेते हैं, है ना। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, जहां पे आपको फोन नंबर या ईमेल आईडी डालने को मिलेगा कि लॉगिन कीजिए, बट हमें तो भाई क्रिएट करना है, तो क्रिएट पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे क्रिएट पे क्लिक करोगे, एक मिनट बैक चलते हैं और क्रिएट पे क्लिक करते हैं, इसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। हमने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करा है। जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नाम डालने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या डालने को मिलेगा, जी हाँ सही सुना, लास्ट नेम, ठीक है। तो फटाफट डाल देते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डालते हैं द इंडो ट्रेडर, ठीक है, द इंडो ट्रेडर। हमने यहाँ पे नाम रखा है द इंडो ट्रेडर। हम लास्ट नेम ऑप्शनल है तो मैं छोड़ रहा हूँ। आपके पास अगर मान लो रोहित नाम है तो रोहित डालिए, अगर आपको नाम है मोहन तो मोहन, राज तो राज, तो आप फर्स्ट नेम ऊपर में डालेंगे, लास्ट नेम नीचे डालेंगे। अब मेरा चैनल का नाम है ये, मतलब कि मेरा जो चैनल है एक उसका नाम है, तो उसके लिए मैं जीमेल बना रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिर्फ निरता हूँ, लास्ट नेम छोड़ता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ क्या डालेंगे, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ अपना डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों हमने डेट ऑफ बर्थ दिया, इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करने है कि जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है। तो हमारा भाई, हम मेल है तो हमारा चैनल ही मेल ही रहेगा, ठीक है। तो हमारा चैनल मेल हो चुका है, या आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, कस्टमाइज भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डिफॉल्ट दिए आएंगे कि आप द इंटरनेट रखना चाहते हो, या तो आप ये रखना चाहते हो, ये रखना चाहते हो, क्या रखना चाहते हो। मतलब हमें एक रिकमेंड किया जाएगा कि आप जीमेल रख सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, क्रिएट योर ओन जीमेल, मतलब हम अपने तरीके से जीमेल बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द इंटरनेट। So, मैंने यहाँ पे द इंडो ट्रेडर रखा है ना, डॉट कॉम हो जाएगा हमारा, डॉट जीमेल डॉट कॉम हो जाएगा। अब इसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। हमारा द इंडो ट्रेडर करके जीमेल बन रहा है। आप भी यहाँ पे अपने नाम के हिसाब से जीमेल लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। अब यहाँ पे अपने हिसाब से पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ द, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिख दिए हैं। पासवर्ड लिख के आप कंफर्म पासवर्ड डालने होंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे दोस्तों अब मांगा जाएगा फोन नंबर, जो कि देना पड़ेगा आपको, नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा, सिंपल बात है। तो फोन नंबर डालिए यहाँ पे, फटाफट क्या डालना है, अपना फोन नंबर, ओटीपी डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ अपना फोन नंबर, देखता हूँ ओटीपी देता है कि नहीं। मैंने यहाँ पे अपना फोन नंबर डाला, उसके बाद मैं यहाँ पे ओटीपी का इंतजार कर रहा हूँ। ओटीपी आएगा यहाँ पे मुझे, तो मुझे ओटीपी नहीं आया, तो अब क्या करेंगे, हम नंबर चेंज करेंगे यहाँ पे फट से, क्योंकि ओटीपी नहीं आने का मतलब कि मेरा फोन रिचार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से वीडियो शेयर कर ही नहीं रहे हो, मैं अर्निंग नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए मैं रिचार्ज भी नहीं कर रहा हूँ। तो फटाफट वीडियो को शेयर करो जिससे मैं रिचार्ज कर पाऊँ फट से, है ना। सो मैंने यहाँ पे दूसरा नंबर डाला, जिसके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा, क्योंकि मैं दूसरा नंबर डाला हूँ उसमें मेरा रिचार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे ओटीपी आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो क्या ओटीपी है, ये ओटीपी है, ठीक है। मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे रिकवरी जीमेल मांगा जा रहा है, जिसे आप स्किप भी करते हो, तो मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ, बाद में रिकवरी जीमेल डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे फोन नंबर जो है, ऐड फोन नंबर यहाँ पे दिया गया है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे द इंटरनेट के हमारा जीमेल बन के रेडी हो चुका है, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, यहाँ पे दोस्तों एक्सेप्ट कर लिया हमने, ठीक है।
इस तरह से आपको भी कर लेने हैं। करने के बाद आपका जीमेल बनकर रेडी हो जाएगा और फिर उस जीमेल को आप किसी काम के लिए यूज करते हो, किसी बिजनेस के लिए यूज करते हो या किसी कुछ भी काम के लिए यूज करते हो। तो मैं यहाँ पे देखोगे कि मेरा जीमेल बनकर रेडी हो चुका है, बिल्कुल फ्रेश एंड मस्त, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई साहब। सो अब यहाँ पे क्या करें दोस्तों, हम लोग को साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए क्या करना है, जीमेल पे क्लिक करना है। जीमेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जीमेल ओपन कर लेंगे। जीमेल ओपन करने के बाद यहाँ पे लोगो पे क्लिक करके आप जीमेल चेक कर लेंगे कि क्या आपका जीमेल ऐड हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, आपको करना क्या है, यहाँ से क्लिक करना है और नीचे में आप देखोगे तो ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। अनदर अकाउंट क्लिक के बाद यहाँ पे गूगल पे क्लिक करना है। गूगल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से भी आप अपना जीमेल आईडी बना सकते हैं, लेकिन मैं दोस्तों थोड़ा सा लंबे प्रोसेस चला और आपको सिखाने की कोशिश किया, तो आप लोग उम्मीद करता हूं कि आप लोग सीख चुके होंगे। यहां से भी आप क्रिएट जीमेल पे क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग लॉगिन करेंगे। अब क्या लॉगिन करना है, द इंडो टी आर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे पासवर्ड डालने को बोला जाएगा, पासवर्ड डालेंगे, साइन करेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा आपके ओटीपी से, मे बी चांस है, या दोस्तों यहाँ पे यस आई एम इन पे क्लिक करके आप इसे इन कर लेना, एग्री कर लेना, ठीक है। सो अब हमारा जो जीमेल है वो इसके अंदर आ चुका है, मतलब मोबाइल में रजिस्टर हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा जीमेल भी लॉगिन हो चुका है। तो इस प्रकार से आप भी अपना जीमेल बनाकर और उसे मोबाइल में लॉगिन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना एंड टेंशन मत लो, लास्ट तक मैं दिखा के जाऊंगा, तो लोड रहते हैं। तो अब यहाँ पे फिर से मेरा जीमेल आ चुका है और मैं लोगों पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देखोगे कि द इंडो डेटा करके हमारा चैनल जो हमने जीमेल बनाया है ये यहाँ पे आ चुका है, द इंडो ट्रेडर @gmail.com हमारा बन चुका है। एंड आई उम्मीद कि आप लोग भी बना चुके होंगे मेरे दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना है, ऐसे ही जीमेल क्रिएट करते हैं मैंने आपको बताया है, तो आप बनाओ और अपने यूट्यूब को वायरल करो, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे अगर आप अपने प्रोफेशनल जीमेल बनाओगे थोड़ा सा अच्छा सा नाम के जैसा, तो मे बी वो अच्छा खासा ग्रो होगा। चलिए एडिट करते हैं वीडियो को, ध्यान रखिएगा, थैंक यू सो मच, टेक केयर।